हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि लास्ट ईयर सबके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, आई होप कि ईयर सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। गाइस, वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो हर पेट लवर के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश से एक वायरस जाने का नाम ले रहा, उसी के साथ में दूसरे वायरस ने और दस्तक दे दी है जिसका नाम है बर्ड फ्लू। गाइस, ये मेनली बर्ड्स और एनिमल्स की वेस्टेज से फैलता है, तो इसके लिए हमें अभी से प्रिकॉशंस लेनी होंगी। इसके लिए सिंपली आप उनके केजेस को क्लीन रखें, उनके और न्यूट्रिशन से भरी हेल्थी डाइट दें, और हो सके तो दो दिन में एक बार उनके डाइट में मल्टी विटामिन और कैल्शियम ज़रूर ऐड करें, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बना रहेगा और वो कम से कम बीमार पड़ेंगे। तो गाइस, इस टॉपिक पर आज के लिए इतना ही, बाकी मैं और अपडेट्स देता रहूँगा आने वाली वीडियोस पे। गाइस, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, वो है हीरा की वीडियो। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि भाई हीरा की वीडियो क्यों नहीं बना रहे, भाई इतने टाइम से हो गया वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो मेरी कुछ इशूज़ से प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम उसको पार्क लेकर आते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि मैंने भी उसको 1.5-2 महीने से उड़ाया नहीं है पार्क के अंदर। तो चलिए जल्दी से लेकर आते हैं। गाइस, ये आ रहा अपना हीरा, मैं इसको कपड़े में ढक के लेकर आता हूँ बाहर, क्योंकि एकदम बाहर आके एकदम ये फड़फड़ाता है, अपने पंख वंख और तोड़ लेता है। अब इसको रखते हैं यहाँ पर। गाइस, ये मेरा दोस्त अंकित। हेलो गाइस, जो मेरी हेल्प करता है और मेरे को सपोर्ट करता है इनकी केयर करने में। गाइस, ये हैं कुछ हीरा के फैंस, छोटे छोटे, जो हमेशा जब भी मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ हीरा को, पार्क में आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे। हेलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। हीरा की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर देना गाइस, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और गाइस, जाते जाते मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने साथ साथ अपने पेट्स और अपने आसपास के शी डॉग्स और एनिमल्स का ज़रूर ध्यान रखें, उनको आसपास अपने घर के छोटा मोटा उनके लिए शेल्टर दें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा डॉग्स एनिमल्स बीमार हो रहे हैं रोडों पर। गाइस, हम सबका छोटा सा एफर्ट्स उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।